राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एआईसीसी के संचार अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मंदिर के नाम पर लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा 400 पार वाले नारे पर पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी 400 पार इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी नियत में खोट है। भाजपा संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन भाजपा ने विधेयक ही राजभवन में लंबित करवा दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल में मोदी सरकार में सिर्फ धोखा ही धोखा हुआ है। मोदी सरकार की नीति और नियत में खोट है। धन्यवाद मलकीत भाई, सुबोध भाई, शुक्ला जी और तमाम हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, और आप सब का स्वागत है। मैंने कल अध्यक्ष जी को फोन किया, बैद साहब को, कि मैं ट्रेन से आना चाहता हूँ। वो हंस पड़े, बोले साहब आप या तो कोयले वाली गाड़ी पे आओगे तो पहुंच जाओगे टाइम पे, अगर पैसेंजर ट्रेन पे आओगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, चुनाव निकल जाएगा, फिर आप प्रेस वार्ता करके क्या कर लोगे। मुझे बात समझ में नहीं आई। आते ही मैंने आज मलकीत भाई को बोला कि भाई मलकीत भाई, ये बैद साहब क्या बोल रहे हैं। तो मलकीत भाई ने कहा कि कोयले की गाड़ी तो चलती है, बाकी लोग गर्मी में प्यासे परेशान बैठे रहते हैं, ट्रेन चलती नहीं है। ये हालत सुनकर बड़ी हैरानी हुई। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये अन्याय जो हो रहा है, ये जानकर बड़ी बड़ी पीड़ा हो। पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं, आप लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, 3रा चरण आने वाला है। 2 चरण से पहले जो 400 पार का नारा लगाते हुए घूम रहे थे, 2 चरणों के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, माथे पे शिकन है, कितना भी मेकअप कर ले मोदी साहब वो शिकन छिप नहीं पा रही, चिंता में, भाषा बदल, भाव भंगिमा बदल, परेशानी सामने दिख रही। मंगलसूत्र की बात नरेंद्र मोदी करते हैं तो आप बताइए, आपको हंसी तो आती होगी। नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करने लग गए, अच्छा लगा सुनकर। पिछले 10 साल में इस देश में मंगलसूत्र बिके हैं तो कोविड के दौरान बिके। 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया, लोगों को मजबूर कर दिया, उनके व्यवसाय बंद हो गए, नौकरियां चली गई, एमएसएमई खत्म हो गए, तब मंगलसूत्र बिके। आपने नोटबंदी की, विदेश में जाके हंसी उड़ाई देश की, ताली बजाते हुए बोला देखो घर में शादी है और पैसा नहीं है, तब बिके मंगलसूत्र। ये हम उस पार्टी के हैं जिसकी नेता इंदिरा जी ने अपना और नेहरू जी ने अपना पूरा प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब जंग छिड़ी तो उन्होंने भी आह्वान किया था कि देश के नाम पे अपने गहने हम देने को तैयार, हमने दिए थे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए इस देश का, मंगलसूत्र के विषय में बात। रही बात संविधान की, तो मैंने आपको नाम बताए इनके कौन कौन से नेता संविधान बदलने की बात लगातार कर रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदला जाए, खत्म कर दिया जाए। मैं आपको 2009 से शुरू करूंगा इस यात्रा। दिल्ली में लाल कृष्ण अडवाणी जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया, पुस्तक लिखी थी जीवीएल नरसिम्हा राव, ये बीजेपी के आजकल राज्यसभा के सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। उस पुस्तक के विमोचन में हमें भी बुलाया था, हम नहीं जाते। ईवीएम्स के खिलाफ वो किताब थी कि कैसे ईवीएम्स गलत हैं और ईवीएम्स से नतीजे गलत आते हैं और उनसे टेम्परिंग की जा सके। अडवाणी जी ने विमोचन किया। अब आइए आप 2024 में,
तब से ये डिबेट चल रही है, और हमने कहीं अडवाणी जी को हमारे चुनाव आयोग ने उस वक्त बुला के उनसे चर्चा भी की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जेटली साहब भी थे उसमें, साहब आपको क्या क्या संशय है बताइए, उनके संशय दूर भी किए। ये पहली बार हो रहा है कि देश के 11 राजनीतिक दलों ने चिट्ठियां लिख लिख कर चुनाव आयोग से समय मांगा कि वीवीपैट पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। वो शीशा काला कर दिया, अब दिखता नहीं पीछे पर्ची क्या है, और भी कई मुद्दे हैं, चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। तो अगर चुनावी प्रक्रिया पर किसी को संशय है, वो एक आदमी को हो, दो को हो, चार को हो, मायने नहीं रखता, सबके वोट की कीमत एक ही है। तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो संशय दूर करे, सरकार का ये कर्तव्य है कि संशय दूर करे। ये क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसमें हम पार्टी नहीं थे, कांग्रेस पार्टी नहीं थी उसमें, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, हम नहीं थे उसमें। बहरहाल अगर कुछ रीजनल पार्टीज की ये मांग है कि राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग हमें समय तो दे, इस मुद्दे पर चर्चा तो करें। चुनाव आयोग किसके दबाव में है, हम ये जानना चाहते हैं।